यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने मोनोथिस्टिक धर्मों में से एक है। इसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट में 3000 साल पहले हुई थी। यहूदी लोग अपने पूर्वजों को अब्राहम तक मानते हैं। उन्हें यहूदी लोगों का पिता माना जाता है। यहूदी धर्म का शुरुआती इतिहास हिब्रू बाइबल में लिखा गया है, जिसे तनाक भी कहा जाता है। ये पवित्र किताब भगवान और अब्राहम के बीच कोवेनेंट का वर्णन करती है। इसमें इजराइलाइट्स के इजिप्ट में गुलामी से उनकी प्रॉमिस्ड लैंड तक के सफर के बारे में भी बताया गया है। इजराइलाइट्स को इजिप्ट से बाहर निकालने में मोसेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें माउंट साइनाई पर भगवान से 10 कमांडमेंट्स मिले थे। ये कमांडमेंट्स यहूदी कानून और नैतिकता की नींव बने। सदियों से यहूदी धर्म विकसित हुआ और अलग अलग शाखाओं में विकसित हुआ। इनमें ऑर्थोडॉक्स, कंसर्वेटिव और रिफॉर्म जूडाइज्म शामिल हैं। प्रत्येक शाखा यहूदी परंपराओं की अपने तरीके से व्याख्या और अभ्यास करती है। यहूदी धर्म के केंद्र में एक ईश्वर में विश्वास है। यह ईश्वर शाश्वत, सर्वशक्तिमान और हर चीज का निर्माता है। वह न्याय और करुणा का देवता भी है, जो मानवता की परवाह करता है। यहूदी धर्म में कवेनेंट की अवधारणा महत्वपूर्ण है। यह भगवान और यहूदी लोगों के बीच एक विशेष समझौता है। भगवान ने उनकी रक्षा और उन्हें आशीर्वाद देने का वादा किया था। बदले में यहूदी लोग भगवान के नियमों का पालन करने और उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीने के लिए सहमत हुए। यहूदी धर्म में भविष्यवक्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें भगवान के दूत के रूप में देखा जाता है, जिन्हें लोगों तक उनके वचन को पहुंचाने के लिए चुना गया है। आइज़ाया, जेरेमाया और इज़ेकियल जैसे भविष्यवक्ताओं ने लोगों से सामाजिक न्याय और ईश्वर के प्रति वफादार रहने का आग्रह किया। यहूदी शिक्षाओं में नैतिकता सर्वोपरि है। तोरा, हिब्रू बाइबल की पहली 5 पुस्तकें जीवन के सभी पहलुओं के लिए आचार संहिता निर्धारित करती हैं। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम को अक्सर अब्राहमिक धर्म कहा जाता है। वे अब्राहम में एक कॉमन एंसेस्टर साझा करते हैं और उनके महत्व को पहचानते हैं। प्रत्येक धर्म हिब्रू बाइबल का सम्मान करता है, हालांकि वे इसकी अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। तीनों धर्म एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। वे प्रार्थना, विश्वास और नैतिक जीवन जीने के महत्व पर भी जोर देते हैं, हालांकि उनके विश्वासों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण अंतर हैं। ईसाई धर्म जीसस को मेसाया और ईश्वर के पुत्र के रूप में मान्यता देता है। इस्लाम मुहम्मद को अब्राहम, मोसेस और जीसस सहित एक पंक्ति में अंतिम पैगंबर के रूप में देखता है। यहूदी धर्म जीसस या मुहम्मद को भविष्यवक्ता या मेसियानिक हस्तियों के रूप में स्वीकार नहीं करता है। अपने मतभेदों के बावजूद इन तीनों धर्मों ने पश्चिमी सभ्यता को बहुत प्रभावित किया है और दुनिया भर में अरबों लोगों के जीवन को आकार देना जारी रखे हुए हैं। भाग 4, जेरूसलम और यहूदी इतिहास के प्रमुख व्यक्ति। जेरूसलम का यहूदियों के लिए बहुत बड़ा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इसे एक भी होली सिटी माना जाता है, जिसका उल्लेख हिब्रू बाइबल में कई बार किया गया है। किंग डेविड ने जेरूसलम को इजरायलाइट साम्राज्य की राजधानी बनाया। उनके पुत्र किंग सोलोमन ने पूजा स्थल के रूप में वहां पहला टेम्पल बनवाया। अब्राहम, मोसेस और नोआ को यहूदी धर्म में पेट्रियार्क्स के रूप में सम्मानित किया जाता है। अब्राहम को एकेश्वरवाद का जनक माना जाता है, जिसने सबसे पहले भगवान के साथ कोवेनेंट बनाया था। मोसेस ने इजरायलाइट्स को गुलामी से बाहर निकाला और 10 कमांडमेंट्स प्राप्त किए। नोआ अपनी धार्मिकता और बाढ़ से बचने के लिए आर्क बनाने के लिए जाने जाते हैं। पूरे इतिहास में यहूदी लोगों को उत्पीड़न और निर्वासन के दौर का सामना करना पड़ा है, हालांकि उन्होंने अपने विश्वास और परंपराओं को बनाए रखा है। 1948 में आधुनिक इजराइल राज्य की स्थापना ने यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। भाग 5, पवित्र ग्रंथ और यहूदी कानून। तनख, जिसे हिब्रू बाइबल के रूप में भी जाना जाता है, यहूदी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसमें 24 पुस्तकें हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, तोरा, नेवीम और केटुविम। तलमुड यहूदी धर्म का एक और आवश्यक ग्रंथ है। यह यहूदी कानून और परंपरा पर रैबिनिक कमेंट्री, व्याख्याओं और चर्चाओं का एक विशाल संग्रह है। तलमुड यहूदी जीवन और व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
मिड्राश व्याख्यात्मक ग्रंथों के एक समूह को संदर्भित करता है जो हिब्रू बाइबल के भीतर गहरे अर्थों का पता लगाते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। ये धर्म ग्रंथों को दैनिक जीवन के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए कहानियों, दृष्टांतों और विश्लेषण का उपयोग करता है। यहूदी कानून, जिसे हलाखा के रूप में जाना जाता है, धार्मिक पालन और दैनिक आचरण को नियंत्रित करता है। इसमें प्रार्थना, भोजन, विवाह और नैतिक व्यवहार सहित कई तरह के क्षेत्र शामिल हैं। भाग 6, त्योहार और पालन। यहूदी त्योहार हर्षोल्लास के अवसर होते हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं की याद दिलाते हैं और धार्मिक विश्वासों की पुष्टि करते हैं। ये विशेष प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और भोजन के साथ मनाए जाते हैं। योम किपुर, प्रायश्चित का दिन, यहूदी कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन है। यह उपवास, प्रार्थना और अपने पापों के लिए पश्चाताप का दिन है। शबात, सबात हर हफ्ते शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक मनाया जाता है। ये आराम, चिंतन और आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय है। पासोवर इजिप्ट में गुलामी से इजरायलाइट्स की मुक्ति का जश्न मनाता है। त्योहार को सेडर नामक एक विशेष भोजन द्वारा चिह्नित किया जाता है, जहां एक्सोडस की कहानी को फिर से बताया जाता है। अन्य प्रमुख त्योहारों में रोश हशना, हानुका और सुकोट शामिल हैं। ये त्योहार और पालन यहूदी पहचान को बनाए रखने, आने वाली पीढ़ियों को परंपराओं को हस्तांतरित करने और भगवान के साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।